हिंदू सनातन परंपरा के अनुसार घर में रोजाना पूजन करना और भगवान को उनके पसंदीदा भोजन बनाकर लगाना शुभ माना गया है। ऐसा करने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है, साथ ही भगवान की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहती है। वहीं ज्योतिष आचार्य ने लोकल 18 को बताया कि हमें रोजाना अपने घर में पूजन पाठ करके देवी देवता को भोग लगाना और नैवेद्य अर्पित करना जरूरी माना जाता है। पूजन करने के बाद भोग न लगाने पर पूजन अधूरी होती है, लेकिन भोग लगाने के भी कुछ नियम हैं। अगर हम उन नियमों के अनुसार देवी देवता को भोग अर्पित करते हैं तो उस स्वीकार किया जाएगा। साथ ही कुछ मंत्र हैं जिनका भोग लगाते समय जप किया जाए तो भोग जल्द ही स्वीकार होगा। जानिए पूरी विधि। देखिए, जब हम भगवान का पूजन करते हैं, चाहे हम पंचोपचार भगवान का पूजन करें या षोडशोपचार भगवान का पूजन करें या नित्य प्रति हम जो हमारे घर में भगवान का पूजन करते हैं, बड़े भक्ति भाव के साथ हम भगवान का पूजन करते हैं, तो पूजन में भगवान को भोग अर्पित करते हैं, नैवेद्य लगाते हैं, प्रसादी समर्पित करते हैं, तो प्रश्न है कि जो भोग हम भगवान को अर्पित करते हैं उसका क्या करना चाहिए जिससे भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। तो भगवान का आभार प्रकट करने के लिए भगवान ने जो कुछ भी संसार में हमको दिया है उसके लिए हम भगवान का पूजन करते हैं, और सनातन धर्म में नियमित भगवान का पूजन करने से हमारे जीवन में, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि की हमको प्राप्ति होती है, और नियमित घर में भगवान का पूजन होने से पूरे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो पूजन में कुछ बातों का हमको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए जिससे कि ईश्वर की कृपा बनी रहे और सुख शांति हमको प्राप्त हो, शुभ परिणाम हमको प्राप्त हो। तो इसी तारतम्य में हम भगवान के निवेद्य भोग या प्रसादी की हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो भगवान को जब हम भोग समर्पित करते हैं तो भगवान का भोग हमको ना तो तुरंत हटाना चाहिए और ना ही ज्यादा देर तक हमको वहां प्रसाद रखे रहने देना चाहिए। गणेश जी को यदि हम भोग समर्पित कर रहे हैं तो गणेश जी के भोग में थोड़ी सी डूबा रख देना चाहिए। यदि हम शिव जी का पूजन कर रहे हैं तो शिव जी का जो भोग हम समर्पित कर रहे हैं उसमें हमको एक बेलपत्र अवश्य समर्पित करना चाहिए, और इसके अलावा भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की, भगवान शालिग्राम की, देवी की या अन्य किसी भी देवता का हम पूजन कर रहे हैं तो उस पूजन में जो भी हम नैवेद्य भगवान को समर्पित कर रहे हैं उसमें हमको आवश्यक रूप से तुलसी पत्र को समर्पित करना चाहिए। जब हम भगवान को नैवेद्य समर्पित कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, तो उस बात का भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि नैवेद्य हम सोने के पात्र में, चांदी के बर्तन में, तांबे के, पीतल के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में समर्पित करें। यह उपलब्ध नहीं हो तो पलाश के पत्ते पे या केले के पत्ते पर भी हम भगवान को भोग समर्पित कर सकते हैं, लेकिन हमको प्लास्टिक का, एल्यूमिनियम का, लोहे का और स्टील इत्यादि का उपयोग भगवान को भोग लगाते में नहीं करना चाहिए। तो हम भगवान को जब भोग समर्पित कर रहे हैं, भगवान को हमने भोग समर्पित कर दिया, उसमें दूबा बेलपत्र या भगवान विष्णु के पूजन में हमने तुलसी समर्पित कर दी, तुलसी समर्पित करने के बाद उस भोग के आसपास जल घुमाना चाहिए, और यदि आप वेद मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं तो यजुर्वेद का मंत्र है, नाभ्या आसी दंत समवर्तता पदव्याम भूम दृशः श्रोत्रा तथा लोकान अकल्पयन, या फिर पुराणोक्त मंत्र है, तुदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाण सम्मुखो भूत्या प्रसीद परमेश्वरः। इस मंत्र के द्वारा भगवान को भोग समर्पित करें और प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा कहकर के जल घुमाइए। धैनु मुद्रा समर्पित करें, ग्रास मुद्रा भगवान को प्रदर्शित करें और परमात्मा से उस भोग को ग्रहण करने की प्रार्थना करें। भगवान प्रत्यक्ष रूप में उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन भाव के भूखे हैं भगवान। तो जिस श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ आप भगवान को भोग समर्पित करेंगे, आपकी उस भक्ति भाव के साथ भगवान उसको जो है अप्रत्यक्ष रूप से प्रसाद को भाव के रूप में भगवान ग्रहण करेंगे। भगवान को आपने भक्ति और भाव के साथ वह प्रसाद समर्पित किया, तत्पश्चात उस प्रसाद को स्वयं ग्रहण करें और अपने इष्ट मित्रों को और अपने अधिक से अधिक लोगों को भगवान का वह प्रसाद हमको देना चाहिए।
जितने अधिक लोग उस प्रसाद को प्राप्त करेंगे उतने अधिक लोगों को भगवान की कृपा प्राप्त होगी। इस प्रकार भगवान को हमको भोग लगाना है।